नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग्रेज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। रामनवमी के अवसर पर भगवा क्रांति दल द्वारा 8 अप्रैल को शहर में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। एसएसपी बाबू राम ने कहा, शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद। 800 पुलिस कर्मियों की शहर में होगी तैनाती। रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति दल द्वारा 8 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकालने को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई। इसमें मीडिया से बात करते हुए भगवा क्रांति दल के कुणाल सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग काफी उत्साह के साथ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। 2 साल कोरोना काल के चलते हम लोग इस शोभा यात्रा को नहीं निकाल पाए थे। यह भव्य शोभा यात्रा 8 अप्रैल को 1 बजे दिन में घंटाघर टीचर ट्रेनिंग प्रांगण से भगवा क्रांति दल द्वारा विराट शोभा यात्रा निकाल कर खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, पटेल बाबू रोड, मुंदी चौक, वैष्णव देवी दरबार, तिरुमूर्ति चौक, बिकनपुर होते हुए बिकनपुर गुमटी नंबर 1 पर जाकर समाप्त होगी। वहीं प्रेस वार्ता में कार्यकर्ताओं द्वारा अपील किया गया कि इस भगवा क्रांति में भव्य शोभा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर इस भव्य शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं और श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की शपथ लें। भव्य शोभा यात्रा में झंडा, फताका, ध्वजा, घोड़ा, रथ, पालकी, ढोल नगाड़े एवं कई तरह के आकर्षक बैंड शामिल रहेंगे। साथ ही रास्ते में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रहेगी। जगह जगह पर फूलों की वर्षा भी की जाएगी। वहीं इस भव्य शोभा यात्रा में डॉक्टर्स की टीम के साथ एम्बुलेंस भी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इस भव्य शोभा यात्रा को लेकर एसएसपी बाबू राम ने कहा कि जिस रास्ते से शोभा यात्रा के लिए आवेदन दी गई है उसी रास्ते से शोभा यात्रा निकालना सुनिश्चित है, जिसमें तकरीबन 800 पुलिसकर्मी पूरे शहर में तैनात रहेंगे। हर साल की तरह इस साल भी भगवा क्रांति के द्वारा विराट शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार और भव्य विराट शोभा यात्रा होना है, क्योंकि कोविड के वजह से हम लोग 2 साल को जश्न नहीं मना पाए, कोई त्यौहार नहीं मना पाए। इस बार हम लोग को मौका मिला है वापस से शोभा यात्रा निकालने का। तो हमारी शोभा यात्रा 8 अप्रैल को निकल रही है, दिन शुक्रवार। 1 से 1.5 बजे तक हम लोग वहाँ से निकलेंगे TTC मैदान से। 11 बजे से हम लोग का वहाँ पर जमावड़ा एकत्रीकरण होगा। 11 बजे एकत्रीकरण होने के बाद हम लोग 1:15 बजे के आसपास वहाँ से मूर्ति लेकर के आ जाएंगे हम लोग खलीफाबाग चौक पे। खलीफाबाग चौक से हम लोग आएंगे वैरायटी चौक, फिर बाटा गली होते हुए स्टेशन चौक, वहाँ पे आरती होना है और वहाँ पे छोटा सा भोग का कार्यक्रम है। फिर वहाँ से हम लोग उल्टा पुल पे आ जाएंगे। उल्टा पुल से फिर होते हुए हम लोग पटेल बाबू रोड, पटेल बाबू रोड से प्राचीन हनुमान मंदिर होते हुए हम लोग आ जाएंगे वैष्णो दरबार। वैष्णो दरबार से फिर त्रिमूर्ति चौक, त्रिमूर्ति चौक से विषहरी स्थान 1 नंबर गुमटी पे हम लोग का शोभा यात्रा का समापन होगा। उस समापन के बाद हम लोग सब बूढ़ानाथ मंदिर में आके मूर्ति को स्थापित कर देंगे और 11 तारीख को हम लोग इसको विसर्जन कर देंगे, दिन सोमवार। सोमवार को हम लोग विसर्जन करेंगे बूढ़ानाथ मंदिर घाट पे। और इस बार भव्यता में हम लोग रामगढ़ का बैंड मंगवाए हैं, संथाली बैंड तो हर साल रहता है, ये वो रहेगा ही। ढाक है हम लोगों का, पंजाबी ढोल है हम लोगों का, नगाड़ा है, भागलपुरी बैंड है। 2 प्रतिमा है, एक प्रतिमा प्रभु रामचंद्र जी की है, सिंहासन में बैठे हुए प्रभु रामचंद्र जी। एक प्रतिमा भारत माता का है, जो नशा से कैसे भारत माता लिप्त होते जा रही है, तो एक वो है भारत माता का हम लोग मैसेज दिए हैं। और हम लोगों के भगवा ध्वज रहेगी, सारे वॉलंटियर अपने ड्रेस में रहेंगे, भगवा क्रांति का टी शर्ट ड्रेस होगा, भगवा क्रांति का सब सारे वॉलंटियर को साफा मिलेगा, सब सारे साफा में होंगे, सारा भगवा ध्वज होगा और साथ में हम लोग एम्बुलेंस का भी व्यवस्था रखे हुए हैं और पूरा कार्यक्रम को निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा का भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। 15 घोड़ा का भी व्यवस्था है, मतलब सारी साज सज्जा व्यवस्था के साथ इस बार हम लोग बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें आप सभी भागलपुर के सभी वासियों से अनुरोध है, कृपया करके शोभा यात्रा में जरूर आएँ और भव्य और दिव्य बनवाएँ। बहुत विराट और भव्य आयोजन है और सभी साक्षी बने, इतना भव्य और दिव्य शोभा यात्रा है। मनीष मयूर नाम हुआ है। कल भगवा क्रांति के शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में मैं भगवा गीत भी लॉन्च कर रहा हूँ यात्रा के माध्यम से, उसकी जो 4 पंक्तियाँ मैं सुना रहा हूँ। ये भगवा चोला राम का, मेरे राम का, मेरे राम का, ये भगवा चोला राम
निकल पड़ी है राम की सेना, चलने लगी हनुमान की सेना, चलने लगी हनुमान की सेना, चलने लगी हनुमान की सेना। ललकार उठी जो भारत से तो ये संसार भी डोलेगा, के भगवा बोलेगा, के भगवा बोलेगा, के भगवा बोलेगा, के भगवा बोलेगा। जय जय।